हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो गाइड। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं BTC का चार्ट में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, क्या व्हाट कुड बी द नेक्स्ट पॉसिबल मूव और डेथ क्रॉस आने वाला है, क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है, प्राइस पहले अप जाएगा या फिर ज्यादा चांसेस रहेंगे नीचे जाने की तरफ, वो चार्ट पे शेयर करते हैं। बट उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा स्प्लिंटर नेट का एक छोटा सा गिव अवे रिजल्ट। जैसे कि मैंने आपसे कई बार कहा था कि इन तीन चार वीडियोस में कंटिन्यूसली शेयर किया था, भाई कमेंट में अपने शेयर कीजिए आईडी वगैरह स्प्लिंटर नेट के। तो अगर आपने डेफिनेटली आईडी शेयर किया तो नाउ यू आर गोइंग टू बिकम एलिजिबल। तो सबसे पहले मैं ये चारों वीडियोस वन बाय वन जाऊंगा और उनमें कमेंट्स देखूंगा। जिसने भी कमेंट्स किए होंगे, अपनी स्प्लिंटर नेट आईडी शेयर की होगी, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो जाओगे एयर ड्रॉप के लिए। तो गाइस, सबसे पहले वीडियो में जाकर चेक कर लेते हैं। सार्जिल अहमद भाई ने कमेंट किया है, बट ही फॉरगेट टू शेयर देयर इंटरलैंड आईडी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। सार्जिल अहमद के इसमें भी किसी ने भी कमेंट नहीं किया है अपना इंटरलैंड आईडी। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। अशोक सैनी, सॉरी यार भाई, आई डोंट नो, यूट्यूब की सेंसरशिप के कारण कुछ कमेंट्स जो है वो हाइड हो जाते हैं, जिसके कारण मुझे देखने को नहीं मिलते। आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर आप दोबारा शेयर करते हो अपनी इंटरलैंड आईडी तो डेफिनेटली मैं आपके साथ लव टू शेयर योर गिव अवे। ओके, अगर आप दोबारा शेयर करते हैं, इस वीडियो में चेक कर लेते हैं। ओके, इसमें ये एक आईडी शेयर की है AMK30, अमित कुमार जी हैं। तो फाइनली किसी ने तो अपना स्प्लिंटरलैंड आईडी शेयर किया है, डेफिनेटली अब आप एलिजिबल हो चुके हैं। तो मैं आपके साथ दो कार्ड्स शेयर करने वाला हूं। लेट मी शेयर विद यू गाइस AMK13। ओके, नाउ सबसे पहले चलते हैं कार्ड्स में, गोल्ड वाला भी पकड़ लेते हैं। बट आज सुमनर्स भेजेंगे तो डेफिनेटली एक कार्ड आपके पास जाएगा सुमनर्स का, एंड इन चारों में से कोई एक है जिसकी वैल्यू $10 के आसपास है, किसी की $8 के आसपास है, तो किसी की $5 के आसपास भी है। वन बाय वन आपके साथ शेयर करते हैं AMK113। ओके ना, इसको सेलेक्ट करते हैं, देन हियर सेंड कार्ड AMK13। लेट मी क्लियर गाइस वन मोर टाइम AMK13। ओके नाउ AMK13, चलिए सेंड करते हैं, दैट्स फिल करते हैं पासवर्ड को, अप्रूव करते हैं ट्रांजैक्शन, लेट्स वेट फॉर द ट्रांजैक्शन। कार्ड जो है वो सेंड हो चुका है, इसी वजह से यहाँ पे कोई। ओके, चलिए अब चलते हैं दूसरे कार्ड पे। तो फाइनली इसको, इसकी वैल्यू काफी कम है $0.04, बट स्टिल इट्स कार्ड, लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी इसकी वैल्यू जा सकती है। तो गाइस डोंट वरी अबाउट इट, ओके बी अ लॉन्ग टर्म होल्डर। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो AMK13 यहाँ पर सेंड पे क्लिक कीजिए, पेस्ट द पासवर्ड एंड अप्रूव ट्रांजैक्शन। ओके, फाइनली ट्रांजैक्शन हो चुकी है। नाउ बैक टू द वीडियो। ये BTC का चार्ट है डेली बेसिस पे। राइट नाउ जो प्राइस चल रहा है BTC का $43,000 के आसपास है। जो करंट रेजिस्टेंस है वो नियर अबाउट $45,500 के आसपास है, आप चेक कर सकते हो। राइट नाउ जो है BTC जो ट्राइंगल है, इनक्लाइन ट्राइंगल है, जिसके 70% चांसेस रहते हैं ब्रेक टू दी अपसाइड। अगर तो ब्रेकआउट करता है टू दी अपसाइड, देन डेफिनेटली प्राइस जो है वो $1 लाख के आसपास चला जाएगा, इजी 90,000 से $1 लाख के आसपास आप कह सकते। बट अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, बट एक रेजिस्टेंस मिलता है नियर अबाउट $52,000 के आसपास, और यहाँ से ये ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ, और यहाँ से एक और फॉल डाउन आता है। और जिस दिन, रिमेम्बर गाइस, रिमेम्बर मार्क माय वर्ड, बिटकॉइन ने ट्रेंड लाइन तोड़ दी, ये जो जामुनी कलर की ट्रेंड लाइन जा रही है ना ऊपर की तरफ, अगर ये टूट गई, प्राइस चला गया नीचे की तरफ, और लाइक दिस इट विल बिकम रेजिस्टेंस वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दैट डे गाइस प्राइस जो है बिटकॉइन का सीधा $29,000 से $30,000 के आसपास चला जाएगा, नियर अबाउट $32,000 तो इजी चला जाएगा। बाकी देखते हैं क्या मूव बनता है। राइट नाउ एवरीबडी इज सीइंग इन द, यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज है। दिस वन इज लाइक अ डेथ क्रॉस, जो कि ऑलरेडी हैपन हो चुका है, कंप्लीट हो गया है डेथ क्रॉस। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इमीडिएटली इंस्टेंटली आपको प्राइस फॉल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर डेथ क्रॉस हुआ था, यहाँ पर BTC पहले ही डंप हो चुका था, ठीक है, और यहाँ से बिटकॉइन डेथ क्रॉस को ब्रेकआउट करने के लिए ऊपर गया प्राइसेस, जो कि इसका रेजिस्टेंस लेवल था नियर अबाउट $40,000 के आसपास, तो इसका बॉटम था $30,000 के आसपास, बट यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली और अगेन फॉल डाउन मिला, एंड देन अगेन फॉल डाउन, देयर वाज द बॉटम नियर अबाउट $29,000 के आसपास। ओके, इसी अब यही सेम सिनेरियो यही देखने को मिलेगा, बिटकॉइन जो है नीचे की तरफ गया, रीटेस्टिंग $39,000 के आसपास, अब ये यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, नो डाउट डेथ क्रॉस हैपनिंग हो चुकी है, जस्ट लाइक द हेयर पॉसिबिलिटी है बिटकॉइन इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा वन टाइम, तो इसका जो रेजिस्टेंस रहने वाला है $45,000 से लेके नियर अबाउट 14
$48,500 के आसपास रहने वाला है। अगर बिटकॉइन $49,000 के ऊपर चला जाता है, एक या दो दिन स्टे करता है वहां पे, देन डेफिनेटली एक रैली देखने को मिलेगी जिसका टारगेट रहने वाला है सीधा सीधा $59,000 से लेके $65,000 के आसपास। ओके गाइस, तो कुछ भी हो सकता है। वेल आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक रिजेक्शन देखने को जरूर मिलेगी, मिनिमम एक रिजेक्शन $45,000 से $47,000 के आसपास देखने को मिलेगी, एंड दैट टाइम BTC का प्राइस को इस तरह मूव करेगा लाइक दिस एंड दिस। अब उसके बाद किस तरफ जाएगा आई डोंट नो, पॉसिबिलिटी है बिटकॉइन वहां से रैली दिखा दे और ऐसे ऊपर की तरफ चला जाए, और जैसे कि मैंने एक सिनेरियो आपसे पहले भी शेयर किया है कि वो यहां से ऊपर जाए देन नीचे ब्रेक डाउन रेजिस्टेंस एंड देन टू, और अगर रिमेंबर गाइस अगर तो $69,000 जो है वो टॉप है बिटकॉइन का, देन डेफिनेटली बॉटम शुड बी नियर अबाउट $11,000 to $15,000 के आसपास रहने वाला है इजी। लेट मी शो यू गाइस, यहां पर मैं आपको चेक कर दे कितना के फॉल डाउन देखने को मिल सकता है यहाँ से, इजी नियर अबाउट 83 to 85% का फॉल डाउन देखने को मिल सकता है अगर तो ये टॉप है। तो बाकी देखते हैं क्या सीन है, क्या आने वाले टाइम में मूवमेंट रहती है। नाउ आप छोटी सी अगर एंट्री लेना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, बट एक बड़ी एंट्री मत लेना। आई एम स्टिल होल्डिंग 40% इन USDT एंड 60% इन लॉन्ग टर्म कॉइन्स लाइक बिटकॉइन इथेरियम और अदर शिट कॉइन्स लाइक दैट। ओके, एंड आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन जो पैटर्न है वो किस तरफ ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ, आप कमेंट में अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो। आई वुड लव टू लिसन फ्रॉम यू गाइस, एंड अगर आपके पास कोई चार्ट है, एक और चार्ट है मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करने वाला हूँ, उसको उसका नाम है समथिंग लाइक 3 Doom House Pattern। ओके, तो इस तरह का कुछ ये 3 Doom बन रहा है, तो इसमें क्या होगा कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, एक नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ चला जाता है, फिर अगेन एक रीटेस्ट होता है ऑल टाइम हाई के आसपास, वहां से रिजेक्शन मिलती है दो बार। अगर तो वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है तो भाई $30,000 इज द बॉटम, $30,000 इजी चला जाएगा प्राइस। तो बहुत जल्द मैं उस पर स्टडी कर रहा हूँ चार्ट पे, ठीक है ना, थोड़ी सी रिसर्च भी करनी बाकी है, तो डेफिनेटली एज सून एज पॉसिबल जैसे ही वीडियो स्टडी कंप्लीट होती है, चार्ट्स कंप्लीट होते हैं, देन डेफिनेटली लव टू शेयर विद यू गाइस एज सून एज पॉसिबल इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, कीप अर्निंग, कीप स्माइलिंग।